नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और ये इसका पार्ट टू है। हमने पार्ट वन में नागरिकता जो संविधान द्वारा दी जाती है वो हमने देखा था। आज हम बात करेंगे नागरिकता जो अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जो नागरिकता दी जाती है उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जो नागरिकता दी जाती है वो पांच तरीकों से दी जाती है। कैसे कैसे? सबसे पहले सेक्शन 3 बर्थ के द्वारा यानी कि जन्म के द्वारा, सेक्शन 4 डिसेंट यानी कि वंश के द्वारा, सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन के द्वारा, सेक्शन 6 नेचुरलाइजेशन के द्वारा और सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी कि अगर भारत किसी क्षेत्र को अपने अंदर ले लेता है तो उसके जो नागरिक है उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। और वो किस तरीके से काम करता है आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 3 सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो इसमें तीन कैटेगरीज है। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि गणतंत्र दिवस जो है वहाँ से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक हुआ है, या 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2003 तक हुआ है, या फिर 3 दिसंबर 2003 के बाद में हुआ है उस दिन या उस दिन के बाद में हुआ है। तो अगर आपका जन्म इस दौरान हुआ है 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक, तो केवल अगर आप भारत में जन्म लेने से ही आपको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2003 यानी कि 3 दिसंबर 2003 तक हुआ है, तो आपको नागरिकता मिलने के लिए आपके एक पेरेंट यानी कि चाहे माता या पिता या दोनों का जन्म भी भारत सॉरी उनको भी भारत का नागरिक होना जरूरी था। ठीक है, उनको उनमें से किसी एक का या दोनों का भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी था, तभी आपका जो है भारत में जन्म लेने पर आपकी नागरिकता मिलती थी। उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिसंबर 2003 के बाद में अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसको नागरिकता केवल तभी मिलेगी जब वो भारत में जन्म लेता है, पहला। दूसरा, जब उसके एक पेरेंट यानी कि या तो माता या पिता भारत के नागरिक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि जो दूसरा है यानी कि या तो अगर पिता भारत के नागरिक है तो माता एक इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट कौन से? जो या तो बिना वीज़ा के आए हैं, या फिर जो वीज़ा लेकर के आए हैं लेकिन वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में ही रह रहे हैं। यानी कि इसमें दो कैटेगरी हो गए, कौन कौन से? एक तो जो बिना वीज़ा के आए हैं यानी कि तारुकी नीचे से आए हैं, और दूसरा वो जो वीज़ा लेकर के तो आए थे लेकिन वीज़ा की पीरियड जो है अवधि जो है समाप्ति के बाद भी इंडिया में ही रह रहे हैं इलीगल तरीके से, तो वो हो गए इलीगल माइग्रेंट। अब वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए उसके पेरेंट, तो उसको क्या है कि नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है, नागरिकता मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट की। इसमें भी वापस तीन कैटेगरीज है। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज है चलिए देखते हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं और उसके से लेकर के 10 दिसंबर 1992 तक, और उसके बाद बात करता है 10 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक, और उसके बाद आता है 3 दिसंबर 2004 के बाद का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली सिचुएशन, यहाँ पे आपको डिसेंट की यानी कि वंशानुगत नागरिकता मिल जाती थी अगर आपके पिताजी भारत के नागरिक थे। यानी कि अगर आपके फादर भारत के नागरिक है तो आपको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर 1992 से लेकर के अगर 3 दिसंबर 2004 की तक आया है तो यानी कि वहाँ पे एक अमेंडमेंट आया और वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी आई, और यहाँ पे कहा गया कि आपके पिता ही नहीं अगर आपकी माता भी भारत की नागरिक है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि आपको पिता या माता में से किसी एक का नागरिक होना जरूरी है तो आपको मिल जाएगी। यानी पहले केवल पिताजी थे, अब माताजी को भी इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया गया जो कि 2003 में, और वहाँ पे ये बोला गया कि केवल माता पिता के भारत के नागरिक होने से आपको नागरिकता नहीं मिल जाएगी बल्कि आपको विद इन वन ईयर आपको क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे इसके लिए जो बना हुआ है, और वहाँ पे आपको विद इन वन ईयर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जन्म के बाद। ऑफकोर्स आपके मम्मी पापा ही लेंगे। उसके बाद जो आती है बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन, तो इसमें काफ़ी सारी दी हुई है क्या क्वालिफिकेशन दी हुई है। अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो आप रजिस्टर करवा सकते हो अपने आप को एज ए भारत के नागरिक। अब बात करते हैं सेक्शन 6 सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन, और इसी के अंदर अमेंडमेंट हुआ है बाई 2019 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया है CAA जो आया है उसमें इसी सेक्शन 6 में अमेंडमेंट हुआ है। अब आगे देखते हैं कि ही इज़ नॉट ए सब्जेक्ट टू सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट टू सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। यानी वो ऐसी
कंट्री, ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जो देश भारत के नागरिक को वहाँ का नागरिक बनने से मना करता हो। सीधी सी बात, अगर कोई देश हमें यानी कि भारत के नागरिक को वहाँ का नागरिक नहीं बना सकता या बनने नहीं देता है, तो हम भी वहाँ के नागरिकों को भारत का नागरिक नहीं बनने देंगे, ठीक है, टिट फॉर टेट। सीधी सी बात, अगर भारत का नागरिक वहाँ जा करके वहाँ का नागरिक नहीं बन सकता, तो सीधी सी बात है वहाँ का नागरिक भी भारत आकर के भारत का नागरिक नहीं बन सकता। यह सिंपल ये बोलता है। इसके बाद में यह सेकंड बोलता है कि आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप रखते हुए भारत की नागरिकता नहीं ले सकते, यानी अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो आपको अन्य सभी देशों की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी अगर आपके पास है तो। उसके बाद बात आती है कि या तो वो भारत के अंदर रह रहा हो या भारत की जो सरकार है उसको सर्विस दे रहा हो पिछले एक सालों में, या तो वो भारत में रह रहा हो या पार्टली भारत की भारत सरकार को सर्विस दे रहा हो पिछले 12 महीनों में, ठीक है, कंटिन्यूस 12 महीनों के लिए उसको थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 महीने वो आपको सर्विस देनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे एक नीचे प्रोविजो है और वो प्रोविजो ये कहता है कि भारत सरकार किसी कंडीशन में अगर वो उचित समझती है, एप्लीकेशन दिया जाता है भारत सरकार को, तो ऐसे में वो 1 मंथ का रिलैक्सेशन यहाँ पे दे सकती है। आगे जो कंडीशन आती है वो आती है कि उन 12 महीनों को छोड़ के आगे के जो 14 साल है, ठीक है, उन 12 महीनों को छोड़ कर के आगे के जो 14 साल है प्रेसिडिंग द सेट 12 मंथ, यानी कि उन 12 महीनों को छोड़ के जो पीछे आगे के पीछे के सॉरी जो 14 साल है उनमें से 11 साल वो भारत का नागरिक रहे या भारत सरकार को सर्विस दे रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और यहीं पर CAA में अमेंडमेंट लाया गया है। यहाँ CAA में जो अमेंडमेंट लाया गया है हम आगे उसको चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ इस प्रोविजन में चेंज लाया गया है, ठीक है। अब क्या चेंज लाया है वो हम आगे देखने वाले हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आगे उसने जो कंडीशन दी हुई है वो है कि ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, उसका एक अच्छा चरित्र होना चाहिए। एंड उसके बाद दी हुई है कि एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में कई सारी लैंग्वेजेज है, ठीक है, और उन सभी लैंग्वेजेज में से किसी एक का उसके पास लैंग्वेज एक भाषा का उसके पास अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, बोलने का, लिखने का, समझने का एक अच्छा जो है लैंग्वेज होना सॉरी नॉलेज होना जरूरी है। और उसके बाद में जो अगली कंडीशन है कि उसका भारत में रहने का एक इंटेंट होना चाहिए, यानी उसको रहने की एक इच्छा होनी चाहिए कि वो भारत में रहेगा, ऐसा नहीं कि भारत की नागरिकता ली और फिर निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में रहने का उसका एक वो होना चाहिए कि मेरी इच्छा है, मेरी आगे की रहने की इच्छा है, तो ये होना चाहिए, तो आपको सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन मिल जाएगी। आगे आता है सिटीजनशिप बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सिंपल है कि अगर भारत किसी और क्षेत्र पर अपना अधिकार करता है भाई उनकी कंसेंट के द्वारा या किसी भी तरीके से, तो ऐसे में वहाँ के जो नागरिक है उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो भी सरकार आगे कंडीशन प्रिस्क्राइब करके उनको नागरिकता दे सकती है। अब बात करते हैं हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट की। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अमेंडमेंट किया गया वो आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट थे उनको सबसे पहले चेंज किया गया, उसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया, और उसकी डेफिनेशन को चेंज करके क्या कहा गया कि जो ये 6 कम्युनिटी है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनसे आने वाले, इन कम्युनिटी से आने वाले लोगों को जो कि इन 3 देशों से आए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और वो कब तक आ गए हैं इंडिया में, वो आ गए हैं 31st day of December 2014, अगर वो इससे पहले इंडिया में आ गए हैं तो हम उनको नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट, हम उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कभी भी भारत सरकार इलीगल माइग्रेंट को भारत की नागरिकता नहीं दे सकती, और इसीलिए जब तक इनको इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा इनको भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती, और इसीलिए इनको नागरिकता देने के लिए सबसे पहले इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को चेंज किया गया और वहाँ पे लिखा गया कि इन 6 कम्युनिटी से आने वाले इन 3 देशों के लोगों को अगर वो 31st December 2014 से पहले आ गए हैं तो ऐसे में हम उनको इलीगल इमिग्रेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। पहला चेंज ये हुआ। अब आगे देखते हैं रिस्पेक्टिव सेकंड चेंज भी। सेकंड चेंज जो हुआ वो हुआ 3rd शेड्यूल ऑफ क्लोज डी। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था क्लोज डी जो कि बात करता है, आपने पढ़ा होगा कि 14 इयर्स में से आपको 11 इयर्स इंडिया में निकालने थे, यानी इंडिया के अंदर आपको रेजिडेंट रहना था, इंडिया का निवासी रहना था, बस वहीं पे इस 11 ईयर को चेंज करके किन के लिए चेंज किया गया, वही 6 कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन 6 कम्युनिटी के, और वो भी कौन से, इन 3 देशों की, इन 6 कम्युनिटी के लोगों को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और उनके लिए क्या चेंज किया गया कि वहाँ पे 11 ईयर्स को 11 ईयर्स नहीं बल्कि 5 ईयर्स पढ़ा जाए, यानी कि इनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई और कहा गया कि अगर ये 5 ईयर्स रहते हैं
तो भी इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बस ये यहाँ पे एक चेंज किया गया। और दूसरा जो हमने देखा था वहाँ पे इलीगल, इसके अलावा काफ़ी अलग चीज़ों के लिए भी काफ़ी सारे थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए गए हैं, उनको मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो ये चेंजेज किए गए हैं CAA में, यानी कि अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है कि अगर ये छह कम्युनिटी के लोग इन तीन देशों से आते हैं तो यहाँ पे इनको 5 साल रहना है। और इसीलिए क्या हुआ कि जब 31 दिसंबर 2019 को हम इनकी नागरिकता चेक करेंगे तो वहाँ से जब 5 साल निकाला जाएगा तो आता है 31 दिसंबर 2014। और इसीलिए वहाँ पे जो है पिछले वाले जो प्रोविजो है वहाँ पे ये डेट ली गई थी। ठीक है, तो शायद आपको अब CAA अच्छे से समझ में आया होगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ यूट्यूब पे हमें इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।